हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस में एक कस्टमर का डेटाबेस बनाना है जो कि जो प्रोडक्ट खरीदता हो तो कस्टमर आईडी के बेस पे उसकी पूरी डिटेल आ जाए। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए तो जरूरी है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिलेशनशिप। तो इसमें हम रिलेशनशिप भी क्रिएट कराएंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे बनेगी, क्वेरी अगर कोई लगाई जाएगी तो कैसे लगाई जाएगी और रिपोर्ट कैसे डिजाइन होके आएगा, ये भी हम देखने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से एक्सेस को ओपन करता हूं। एक्सेस का 2021 है, आपके पास जो भी वर्जन हो काम करने का तरीका लगभग सेम होता है। थोड़ा सा एक्सेस 2021 ईज कर देता है हमारे काम को। तो यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और यहां पर एक नया सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा। अब यहां पर डेटाबेस का नाम चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही रखता हूं और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा व्यू, तो यहां से अब हमें व्यू पे क्लिक करना है। ये जो व्यू दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा और ये है आपका प्रोडक्ट वाला डेटाबेस। तो दो टेबल्स बनेंगे इसमें, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नाम हमने प्रोडक्ट दे दिया। आप सपोज कीजिए ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का आईडी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, ये कर दिया हमने प्रोडक्ट और अंडरस्कोर लगा के लिख दिया नेम। तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का नेम और आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो यहाँ से जाके लुकअप विजार्ड पे जाके आप ड्रॉप डाउन भी चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देते हैं ऐसे ही। और अब यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस दे देते हैं और प्राइस का जो डेटा टाइप होगा वो करेंसी होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये करेंसी ही रहेगा। यहाँ पर आएगा क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये क्यू टी वाई लिख दिया है शॉर्टकट में क्वांटिटी। और इसका जो डेटा टाइप होगा वो नंबर होगा और यहाँ से इसे बना लीजिएगा डबल, क्योंकि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर करना चाहते हैं। That's why यहाँ पर आपको डबल बनाना बहुत जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अब यहाँ पर हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर प्राइस, तो यहाँ पर आएगा टोटल प्राइस और टोटल प्राइस का जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे कैलकुलेटेड लेना है। और यही फायदा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 का। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है। हमें क्या करना है, प्राइस PRICE मल्टीप्लाई बाई UTY कर देना है, यानी क्वांटिटी, ये हो गया। और जैसे ही ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। ओके करेंगे तो ये देखिए ये हमारा बन करके तैयार। अब हमको यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम एंटर करवाने हैं, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम हो वो यहाँ पे एंटर करवाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नेम एंटर करवा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने कीबोर्ड, ये यहाँ पे आए तो कीबोर्ड की प्राइस है 300 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी है 450 यहाँ पे। फिर अगला जो प्रोडक्ट है उसका MOUSE माउस कर दिया, तो माउस की प्राइस है 200, क्वांटिटी है यहाँ पर 500। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता चला जाएगा और ये देखिए टोटल प्राइस अपने आप कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर कर देते हैं, तो ये मॉनिटर हो गया आपका और मॉनिटर की प्राइस 5000 रुपये है। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो 6 मॉनिटर की बात करिए तो यहाँ मॉनिटर की प्राइस आ गई। अब यहाँ पे कर देते हैं डेस्कटॉप, तो ये डेस्कटॉप कर दिया और यहाँ पे डेस्कटॉप की प्राइस है 50000 रुपये, तो यहाँ पे ये 50000 हो गया। 4 डेस्कटॉप की बात हो रही है, तो इस तरीके से ये आता चला जाएगा, ठीक है। अब इस टेबल को हम क्लोज कर लेते हैं सेव करके, तो ये क्लोज कर लिया। अब एक दूसरी टेबल बनाएंगे जो कि कस्टमर की टेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ से टेबल पे जाके व्यू पे जाके और यहाँ पे कस्टमर कर देते हैं, CUSTOMER कस्टमर हो गया और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये कस्टमर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कस्टमर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर आएगा, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर CUSTOMER। तो ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। आप कस्टमर की सिटी वगैरह भी एंटर चाहे तो करवा सकते हैं, CITY यहाँ सिटी भी लिख दिया है हमने। और यहाँ से जाके व्यू पे क्लिक करके देन यहाँ से यस कर दीजिएगा, तो ये यस करने पे इस तरीके से आएगा। और जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कस्टमर का नेम देना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कस्टमर का नेम कर दिया लोकेश, ठीक है, और इनकी सिटी है देवरिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे एक और कस्टमर का नाम, तो जो भी कस्टमर का नाम है वो यहाँ पे आता चला जाएगा। एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी आएगी, जैसे मैंने सिर्फ आईडी रखा हुआ है तो यहाँ पे हम कर देंगे कस्टमर आईडी, तो ये हो गया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसे ऑटो नंबर ना रख करके हम क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो वहां पर शायद आपको सिर्फ टेक्स्ट ही मिलेगा। और यहाँ पर एक कॉमन फील्ड होना जरूरी है, तो आईडी जो वहां पे लिया था तो वहां पर हमने रखा था इसे
नंबर डेटा टाइप, तो यहां पर भी नंबर रख देते हैं, ऑटो नंबर वहां पर रखा था तो ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर जो भी इनकी सिटी है, जैसे यहां पे गोरखपुर कर देते हैं, ये हो गया गोरखपुर, और फिर यहां पर आते हैं तो यहां पे आईडी आएगी, तो ये आईडी 1 हो जाएगा, फिर यहां पे आईडी 2 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करके चलता चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर कस्टमर आईडी हमें चेंज करना है, ठीक है, कस्टमर आईडी ये नहीं रहेगा, यहां पे CU01 ये कस्टमर आईडी पहले वाले का है, और यहां पे CU02 हो जाएगा कस्टमर आईडी सेकंड वाले का, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे जैसे ही आते हैं तो CU03 हो जाएगा, और यहां पे राकेश कर देते हैं, RAKESH राकेश, और यहां पे हम कर देते हैं लाइक इनकी सिटी है जबलपुर, जबलपुर कर देते हैं, तो ये हो गया इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको सेव करके और यहां से इसे क्लोज करेंगे, देन हमें कहां चलना है, डेटाबेस टूल्स पे जाना है, रिलेशनशिप पे जाना है, और इन दोनों टेबल्स को लेके आना है यहां से ऐसे, ये पहला टेबल और ये फिर प्रोडक्ट वाला जो टेबल है, ये हमारा पहला टेबल है, कस्टमर वाला दूसरा टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आईडी दिख रही है ना, इस आईडी को सीधा लिंक कराएंगे इस आईडी से। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले यानी प्रोडक्ट वाले टेबल में ये प्राइमरी की है, लेकिन सेकंड वाले टेबल में ये प्राइमरी की नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि यहां पर ये तीनों पे टिक करना है और देन यहां पर इस तरीके से करना है, लेकिन ये रिलेशनशिप क्यों नहीं क्रिएट होती है, इसके भी पीछे कारण बता देता हूं। देखिए, इसलिए नहीं क्रिएट हुई क्योंकि यहां पर देखिए आईडी किस तरीके से हमने लिखा, ये स्मॉल में लिख दिया, यहां पे कैपिटल लिख दिया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि आप रिलेशनशिप ठीक प्रकार से क्रिएट नहीं करा पाते। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप जब भी लिखिए तो डेटा टाइप वगैरह सब सही से लिखिए। और यहां पे देखिए, ये आईडी कैपिटल में है तो यहां पर भी हमें क्या करना है, कैपिटल ही रखना होगा, इसे से आ जाएगा। और यहां पे 1, फिर यहां पर आकर के 2, जो वहां पर आईडी दी गई थी सेम आईडी यहां पर भी आपको दे देनी है, और फिर इसको सेव करके देन अब इस कस्टमर वाले टेबल को क्लोज करना है। तो अब जब आप इस पे आएंगे तो ये आपको कैपिटल में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर आते हैं तो प्रोडक्ट वाले टेबल में भी आपको 1, 2, 3 ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऑटो नंबर यहां पे लिया था तो हम नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आकर के और सीधा कहां जाना है, डेटाबेस टूल्स पे और रिलेशनशिप पे जाना है, और यहां पर ये दोनों टेबल्स को लेके आना है। ये पहली टेबल हो गई, ये दूसरी टेबल हो गई, दोनों टेबल आके आप देखिए आईडी कैपिटल में हो गया, तो इस आईडी का रिलेशनशिप इससे क्रिएट भी हो जाएगा। और यहां पे जाकर के और यहां से ओके जब करेंगे तो ये देखिए रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है हमें इसको सेव कर लेना है और सेव करके इसको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद यहां से जाएंगे और अब हम चाहे तो फॉर्म बना सकते हैं। तो यहां पे आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम है फॉर्म डिजाइन कर लीजिए आप, या तो आप जो है विजर्ड से जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने फॉर्म डिजाइन किया हुआ है और यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आएंगे। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारे पास मौजूद है, पहली टेबल हमारी प्रोडक्ट वाली है जिसकी आईडी की जरूरत तो हमें है ही है, प्रोडक्ट नेम की भी जरूरत है और प्राइस और क्वांटिटी और टोटल प्राइस की भी जरूरत है। तो जिनकी भी जरूरत है आप यहाँ पर इसको ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास बच गया कस्टमर का नेम और कस्टमर की आईडी, ठीक है। तो अगर कस्टमर के नेम और आईडी की जरूरत है तो नीचे आपको कस्टमर वाली टेबल दिखाई देगी, तो यहां पर जो है कस्टमर आईडी भी ले लेते हैं हम। अब ये आईडी है और ऊपर कर देते हैं कस्टमर आईडी, ठीक है। और कस्टमर आईडी करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम जो है ये भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर का नेम कर देते हैं। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से आके, इसको नीचे किया हमने, फिर इसको भी नीचे किया और फिर इसको भी नीचे करते हैं। और यहाँ पर अब कस्टमर का नेम, तो इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और देन आप इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से और फिर यहाँ पे होम टैब पे जाके और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा आप कर सकते हैं इस तरीके से, ये यहाँ से जाके यहाँ पे जो भी ये छोटा बड़ा हो रहा है इसको छोटा बड़ा करने के लिए इस तरीके से जाइए और ये इस तरीके से कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके, और बैकग्राउंड कलर मैं ये वाला रख देता हूँ और इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क में भी लेके आऊँगा, थोड़ा साफ साफ दिखे ये। और यहाँ से अब व्यू पे आप जा सकते हैं, तो व्यू पे जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें सारी डिटेल आपको दिखाई पड़ रही है, ना सिर्फ कस्टमर आईडी दिखाई पड़ रही है बल्कि आईडी भी प्रोडक्ट की दिखाई पड़ रही है और यहाँ कस्टमर का नेम भी है,
ठीक है, प्रोडक्ट का भी नेम है, प्राइस कितनी आई ठीक है वो भी दिखाई पड़ा है, हमने एक चीज छोड़ दिया है यूनिट, तो यूनिट भी हम ले लेंगे। तो यहाँ डिजाइन व्यू पे आकर के और यहाँ पे टोटल प्राइस और तमाम चीजें जो दी गई हैं इसी में हमें एक यूनिट भी रखना है, तो हम यूनिट भी उठा लेते हैं यानी क्वांटिटी भी उठा लेते हैं और यहाँ पे लाके रख देते हैं। और सेम यही फॉर्मेट हम इस पे भी अप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी उसी कलर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी भी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्लोज करने की जरूरत है तो क्लोज करते वक्त सेव करना होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एफ के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो